बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब पेपर हैकर में। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी 5 सेमेस्टर के जुलोजी के फर्स्ट पेपर के बारे में। तो देखिए, आप चाहते हैं कि बॉटनी का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का मुझे सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिले, तो आप और उनके इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में आप देखते देखते परेशान हो जाते हैं, नहीं मिलती है किसी कारणवश। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपको जाना होगा अपने क्रोम ब्राउजर पर। क्रोम ब्राउजर पर जब जाएंगे तो आपको वहां सर्च करना होगा पेपर हैकर डॉट इन, ठीक है, या फिर मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है एप्लीकेशन का, पेपर हैकर डॉट इन। देखिए ये हमारी वेबसाइट है पेपर हैकर डॉट इन। यहाँ एप्लीकेशन, यहाँ टच करेंगे तो एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा हमारी वेबसाइट का। यहाँ पर टच करिएगा, डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर नीचे साइट में, यहाँ नीचे साइट में एक यहाँ लोगो आएगा इस तरीके का बन के कि भाई आप इंस्टॉल करना चाहते हैं एप्लीकेशन को, तो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ से आप व्हाट्सअप चैनल पर हमें फॉलो कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। आप हाई स्कूल इंटर में है तो आप स्कॉलरशिप फॉर्म भर सकते हैं। यहां देखिए बीएससी प्लेलिस्ट, इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, बीए और बीकॉम सारी हमने दे रखे हैं यहाँ। तो आप जैसे कि आप 5 सेमेस्टर में, तो 5 सेमेस्टर वाले बटन पर टच करेंगे, सारी वीडियोस आपको यहाँ मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ आपको क्या है, यहाँ यहाँ सेमेस्टर वाइज है। इसमें क्या होगा, वीडियो जैसे कि केमिस्ट्री की वीडियो, जुलोजी की वीडियो, बॉटनी की वीडियो, किसकी देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से वो वीडियो देख पाएंगे। तो ये हमने सारी प्लेलिस्ट दे रखी है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, मतलब कि यूट्यूब पर सर्च करने की आवश्यकता ना पड़े। तो पेपर हैकर डॉट इन पर जाएंगे जो आपको सब कुछ मिल जाता है। यहाँ पर आपको सारे नोट्स मिल जाते हैं, जैसे कि 5 सेमेस्टर बीएससी के टच करेंगे आप यहाँ, तो यहाँ जो कोई ऐड आती है तो उसको बंद कर दीजिए। और यहाँ देखिए मैंने क्या किया भाई साहब, यहाँ देखो पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, और फ्री पीडीएफ व्यू देखना चाहते हैं तो इस पर टच करना है, फ्री पीडीएफ देख सकते हैं। इसको कैसे देखना है, तो आप फ्री पीडीएफ देखना चाहते हैं केमिस्ट्री के फर्स्ट पेपर के बारे में, तो आप यहाँ टच करेंगे फ्री पीडीएफ व्यू पर, आप इस पर टच करेंगे तो एक हमारी नई एप्लीकेशन खुलेगी जिसका नाम होगा पेपर हैकर डॉट ऑनलाइन, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं, ये है देखिए, ये हमारी वेबसाइट खुल रही है आपके सामने पेपर हैकर डॉट ऑनलाइन। ये भी वेबसाइट हमारी है, दो वेबसाइट है, पेपर हैकर डॉट इन, पेपर हैकर डॉट ऑनलाइन। इसमें भी एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने का है, तो आप इस पे भी टच करिएगा और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना इस वेबसाइट का। तो ये दो वेबसाइट के दोनों एप्लीकेशन अलग अलग है, 1-1 MB के, ज्यादा बड़े नहीं है, आप इसको कर लो। यहाँ से पैन कार्ड, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड सब कुछ आपको देख सकते हो, जितनी नौकरी निकलती है वो यहाँ देख पाओगे, एडमिशन कौन सा चल रहा है, आर्मी की जॉब कौन सी, डेली के न्यूज पेपर, CCC से रिलेटेड और अपनी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड भी जानकारी यहां ले सकते हो। उसके बाद में यहां देख सकते हो, यहां हाई स्कूल इंटर के सारे नोट्स डाल रखे हैं, बीएससी के नए सारे नोट्स डाल रखे हैं, और यहां देखो बीएससी 5 सेमेस्टर। जैसे ही हम जूलॉजी पर टच करेंगे सेकंड पेपर पर, तो आप देखेंगे कि जूलॉजी का सेकंड पेपर यहां देखो डाउनलोड हो रहा है, ये देखिए कह रहा है डाउनलोड हो गया, देखो डाउनलोड होकर मेरे सामने आ गया। यहां पर टच करेंगे डाउनलोड पर तो ये क्वेश्चन डाउनलोड करेगा, पैसे मांगेगा। तो आप फ्री में पढ़ना चाहते हो तो यहीं पर पढ़ सकते हैं। यहां देख लीजिए प्लस माइनस और बीच में, यहाँ यहाँ शेयर का ऑप्शन आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है माइनस और शेयर के बीच में फुल स्क्रीन का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर टच करेंगे तो आपके डिस्प्ले पर ये जो है ना वो फिर फुल स्क्रीन हो जाएगी। अब जब फुल स्क्रीन हो जाएगी तो बड़े आसानी से आप इसको क्या है, जूलॉजी के नोट्स को बिल्कुल आसानी से रीड कर सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों में इस नोट्स को प्रोवाइड किया गया है, शायद हो सकता है कोई कोई क्वेश्चन इंग्लिश में है टोटल, और यदि स्टूडेंट को कोई परेशानी आती है, इसको इंग्लिश पढ़ने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं इसका हिंदी में नोट्स 1-2 दिन में प्रोवाइड करा दूंगा, इसका टोटल हिंदी होगा, तो आप उसका हिंदी और इंग्लिश दोनों नोट्स में आपको फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो यहाँ से बड़े आसानी से आप पढ़ सकते हैं इनकरेक्ट अबाउट द जो एंग्रेथिंग है उसके बारे में सब कुछ आप यहाँ देख पाएंगे, ठीक है। तो मैंने ये सारी सुविधाएं आपको दी है फ्री और पेड वाली, ठीक है। तो यहां जो फ्री पढ़ सकते हैं और यहां पेड भी पढ़ सकते हैं, तो यहां पर डाउनलोड करके इसको पैसे दे करके अपने इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आपके फोन में आ जाएगा, वरना मैं चाहता हूं कि आप फ्री पढ़ो, पैसे बर्बाद मत करो। चलो देखते हैं, अब हम बात करने वाले जूलॉजी के फर्स्ट पेपर में कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको सब कुछ बता दिया कब, कैसे और क्यों करना, पेपर हैकर डॉट ऑनलाइन, पेपर हैकर डॉट इन, इन पर प्लेलिस्ट मिल जाती है और ऑनलाइन पर फ्री में नोट्स मिल जाते हैं, सारी सुविधाएं दे रखी है। चलो हम बात करेंगे जूलॉजी के फर्स्ट पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन इंपोर्टेंट है जो हमें पढ़ना चाहिए। तो
यहाँ मैंने यूनिट वाइज यहाँ डिवाइड नहीं किया है, आप यूनिट मत देखिएगा, आप बस यहाँ यूनिट से स्टार्ट करिएगा। पहले आप पहला क्वेश्चन जो आएगा संघ प्रोटोजो आएगा। देखिए मैंने जितने भी संघ हैं, जितनी फैमिली दे रखी हैं, फाइलम दे रखे हैं, तो उनके क्लासिफिकेशन समान लक्षण जरूर देख लेना कि जो संघ प्रोटोजोआ है उसके समान लक्षण, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है कि संघ प्रोटोजोआ के समान लक्षण, और प्रोटोजोआ के अंदर एक एनिमल आता है जिसे पैरामीशियम बोलते हैं, तो पैरामीशियम के स्वभाव देखना है, संरचना देखनी है, और पैरामीशियम किस तरीके से जनन करता है, ठीक है। और कंजुगेशन जरूर देख लेना, कंजुगेशन क्या होता है, कंजुगेशन की प्रक्रिया क्या होती है, ये हम याद करेंगे पहला। उसके बाद में आता है पेरिफेरा, दूसरा एक आता है संघ आता है पेरिफेरा, तो पेरिफेरा के समान लक्षण देख लेना है, लक्षणों को याद कर लेना है। इसके अंदर एक एक क्या आता है, एक एक एनिमल आता है जिसे कहते हैं स्काइफा, स्काइफाई की संरचना देखना है, और वो किस तरीके से रहता है, आवास कैसा है, और वो किस तरीके से जनन करता है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन आता है रैगन नहर प्रणाली क्या होती है, रैगन नहर प्रणाली और उसके महत्व क्या होते हैं, ये क्वेश्चन आपको देखना है, ठीक है। और यहाँ देखो एक एलिविया, एलिविया एक ये क्वेश्चन यहाँ छोड़ देंगे क्योंकि ज्यादा मैं नहीं बताने वाला हूँ, ज्यादा आपको टेंशन नहीं देने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ कम पढ़ो, अच्छा पढ़ के अच्छे नंबर ले आओ बस। यह है टेनोफोरा, एक लक्षण है, ये संघ है, इसको भी छोड़ देना है, संघ है प्लेटो टीनिया के नाम से एक आएगा, टीनिया, ठीक है। एक आएगा जो प्लेटी हेमथेन्स, संघ है प्लेटी हेमथेन्स, समान उनके लक्षण देखना है, गुण याद करना है। इसके अंदर एक टीनिया नामक एक एंजाइम, एक सॉरी एक जंतु आता है, जीव आता है, इसकी संरचना और इसके लाइफ साइकिल के बारे में देखना। टीनिया जो आप देख रहे हैं ये एक सुअर की आंत में पाया जाता है, ठीक है, सुअर की आंत में पाया जाने वाला जंतु होता है, वो आप याद करेंगे। उसके बाद में एक यहाँ देखेंगे, इस क्वेश्चन को मैं छुड़वा रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद में आता है एनिलिडा, एनिलिडा के अंदर एक एनिमल देख रहे हो, देखने को मिल रहा है जिसके जन्म मादक, इसको भी छोड़ दे देना, इसको भी छोड़ दो, ज्यादा मत पढ़ो। इसके बाद इसमें ये क्वेश्चन पढ़ना है, आर्थोपोडा जरूर पढ़ना है, आर्थो संघ है, आर्थोपोडा, आर्थोपोडा के समान लक्षण देख लेना है, एंड क्लासिफिकेशन याद करनी है। और आर्थोपोडा के अंदर एक एनिमल आता है झींगा, जिसे कहते हैं झींगा मछली, तो झींगे के उपांग देखने हैं, मतलब कि झींगे के पैर उपांग कैसे हैं, अंग कैसे होते हैं, तंत्र का तंत्र याद करनी है। और झींगा नर और मादा, जैसे कि नर और मादा झींगा होते हैं, एक नर होता है एक मादा होती है, फीमेल और मेल, ये दोनों के जनन अंग देख लेना, जनन अंग मतलब जो वो रिप्रोडक्शन करते हैं, वो सेक्स जो करते हैं, वो चीजें वो किस तरीके से करते हैं, उसकी इमेज भी आपको याद करनी है, ठीक है। रिलेशन जो बनाते हैं, जनन अंग जो होते हैं, वो उनके जो किस अंग के द्वारा वो रिलेशन बनाते हैं, और उनमें क्या क्या मतलब उनके अंगों की इमेज बनानी है, ठीक है, किस तरीके से, वो इमेज बिना इमेज के बना के मत आना वरना नंबर नहीं मिलेंगे। ये संघ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे कहते हैं संघ मोलिस्का। देखिए संघ बहुत सारे दे रखे हैं आपके बुक में, नोट्स में, गैस पेपर में, मैं चाहता हूं कि आपको संघ बहुत तो लिखा है, मैंने लिखे सब हैं क्योंकि आपको समझ में आए, लेकिन उनमें से कौन से इंपोर्टेंट वो बता रहा हूं। तो संघ मोलिस्का जो है उसमें आपका पाइला आ जाता है, पाइला मतलब घोंगा, घोंगा आपने देखा होगा, पाइला जिसे बोलते हैं, इसकी संरचना आपको देखनी है, इसके श्वसन अंग देखना है, नर मादा अंग देखना है। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि पाइला के नर और मादा अंग के बारे में बताइए, या फिर पाइला जो होता है, जो घोंगा होता है, इसका पाचन तंत्र बताइए, पाचन तंत्र के लिए बारे में पूछता है, पाचन तंत्र भी याद कर लेना, वो अपना भोजन किस तरीके से पचाता है, क्योंकि मैंने तो एक्सपेरिमेंट किया था, मैं बीएससी में था, सेकंड ईयर में था, तो पाइला के लिए मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, पाइला के जनन अंगों को निकालने की टीचर ने बोला था कि ऐसा इसका बताओ जनन अंग कौन सा है, निकाल के हमें अलग दिखाओ, तो उसको हमने बहुत सारे घोंगे थे, ठीक है, पाइला थे बहुत सारे पड़े हुए ड्रम के अंदर, तो हमने निकाला, उसको एक्सपेरिमेंट किया, भाई बेटर लगता है जब आप प्रैक्टिकल करते हैं ना, एक एक स्पेशली प्रैक्टिकल करते हैं अपने हाथों से, तो एक अलग चीज दिखाई देती है भाई, उसमें एक 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 उसका एक कह सकते हैं धागानुमा एक वॉल होता है, उसको कटना नहीं चाहिए, कहते हैं ये कट गया ना तो एक्सपेरिमेंट आपका खराब हो जाएगा, कह सकते हैं पूरा प्रैक्टिकल खराब हो जाएगा, तो वो चीज जरूरी है भाई, तो जब तक कि प्रैक्टिकली ना जाओगे ना तो काम होने वाला नहीं है, फिलहाल आप इमेज जरूर बनाया करें। इकानोडर्मेंटा आप देख रहे हैं, एक संघ और है इकानोडर्मेंटा, इसके समान लक्षण देखना है, क्लासिफिकेशन देखना है, वर्गीकरण कैसे है, और इसमें सितारा मछली आती है, समुद्री मछली से बोलते हैं सितारा, समुद्री मछली, इसकी संरचना और आवास वो कैसी रहती है। इतना करने के बाद में ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद में सारे संघ खत्म हो गए। अब हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक आते हैं, जैसे कि आपसे पूछेगा डीमक क्या होती है और डीमक का किस तरीके से नियंत्रण करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक मच्छर होते हैं, मच्छरों की लाइफ साइकिल के बारे में याद करना है, मच्छर किस तरीके से लाइफ साइकिल करते हैं। उसके बाद में आपने देखा होगा मच्छर, एक होता है
एना एनोफेज, एनाफ्लोज मच्छर होता है, एनाफ्लेज जैसे बोलते हैं, एनाफ्लेज पर जो क्लैक्स मच्छर की तुलनात्मक रोग कौन कौन से होते हैं, तो वो चीज आपको देखना है। एक क्लैक्स मच्छर होता है, एक एनाफेज मच्छर होता है, इनके रोग कौन कौन से होते हैं। चूहे आपने देखे होंगे, चूहे को कृंतक बोलेंगे, ठीक है, कृंतक भी आ सकता है। तो चूहे के प्रकार क्या, चूहे की लाइफ साइकिल कैसी है, वो आपको देखना है। आपने एक क्वेश्चन और बनता है कि पशु प्रजनन क्या है, मतलब कि जो पशु है वो अपना जनन कैसे करते हैं, उनके प्रकार कितने प्रकार से जनन कर सकते हैं, ठीक है। और गर्भाधान बोला गया है, कृमिक गर्भाधान क्या होता है, जैसे हम कह सकते हैं ना कृमिक। आपने देखा होगा कि आजकल क्या होता है, जो पशु और जो है जानवर, हम लोग भैंस गाय वगैरह पालते हैं, या फिर बकरी भी पालते हैं, या फिर कुत्ता वगैरह पालते हैं, जो डॉगी होती है, मतलब कुत्तियां जो फीमेल में आ सकते हैं, फीमेल जैसे बोल सकते हैं, तो उनमें हम क्या करते हैं, किसी डॉक्टर को बुलाते हैं, और या फिर जो डॉक्टर आता है, तो जो फीमेल, जो चाहे कोई भी हो, भैंस हो, गाय हो, कोई भी हो, या फिर डॉग हो, या फिर बहुत सारी जो बकरी है वो पालते हैं, तो जो फीमेल जो होती है उनके विजाइना के अंदर क्या करते हैं, जो डॉक्टर लोग होते हैं वो सीरम, मतलब जैसे स्पर्म बोलते हैं, जो स्पर्म होते हैं उनको क्या कर देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं। जैसे कि पहले से किसी जानवर का हमने सीरम निकाल लिया, मान लीजिए एक भैंस है, तो पहले एक भैंसा होगा, ठीक है ना, उसका सीरम निकाल लेते हैं। तो आपने देखा होगा कि उनके एक बॉक्स होता है बना हुआ, ठीक है, उसमें अमोनिया भरी होती है, गैस भरी होती है, और उसके अंदर सीरम की कुछ लाइनें पड़ी होती हैं, केबल टाइप की, उसमें से निकालता है। और जो भैंस है फीमेल, बफेलो ले लो, उसकी विजायना के अंदर क्या है, वो डॉक्टर इंजेक्ट कर देता है, तो वो कृमिक गर्भधान कहलाता है, ठीक है। उसमें क्या हुआ, उसमें एक दूसरे जानवर की आवश्यकता नहीं हुई, लेकिन वो हमने दूसरे जानवर के सीरम से ही इस जो भैंस है उसको क्या कर दिया, उसको रिप्रोडक्शन करा दिया, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, तो इस तरीके से हम कृमिक गर्भाधान धारण कर सकते हैं। इसके कई तरीके हैं, देखो इसके तरीके बोला गया, तो तरीके मैंने आपको बता दिया, डॉक्टर जो एमआरआई अलग अलग बनी हुई है उनके द्वारा, तो सीरम काफी टाइम इफेक्टेड रहता है, उनको इंजेक्ट करा देते हैं। लाभ और उनसे कौन कौन से लाभ है, नुकसान क्या है, वो भी आपको बताना है, ठीक है। तो ये चीजें आपको नोट करनी है, तो ये चीजें आम चीजें हो गई, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अलग अलग नस्लें जरूरी है। देखो क्योंकि ऐसा है ना कि अब मान लो आपके पास कोई वो जानवर नहीं मिल रहा जो जानवर चाहिए, मान लो अब बकरी है, अब बकरी कैसी है भाई, बकरी तो भाई मतलब एक अलग बकरी है, छोटी बकरी है, और यदि बकरा क्या होगा, बड़ा होगा, तो उसका अलग सीरम होगा ना, उसकी प्रजाति बदल जाएगी, ठीक है ना, बदल जाएगी। तो इसलिए क्या है, अलग अलग प्रजातियों के स्पर्म इकट्ठे किए जाते हैं पशुओं के, और जो अलग जाति हैं उनमें अलग करके एक अलग जाति का निर्माण किया जाता है, तो वही चीजें हैं, ठीक है। जैसे कि घोड़ा घोड़ी जब डाले, मतलब गधा और बोझ करता है तो खच्चर पैदा होता है, वो चीजें यहाँ एक्सपेरिमेंट आपको करना होता है। जैसे इसमें कोई अच्छी चीजें हैं, इनको जानना जरूरी है आपके लिए लाइफ में, क्योंकि जब आप जियोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपको पॉइंट पॉइंट समझना जरूरी है, ये सेक्सुअल क्या होता है, अनसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये चीजें बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन आता है मछली पालन क्या है, मछली पालन क्या है, उसके प्रकार कितने होते हैं, ये आप याद करेंगे, उनके आर्थिक महत्व क्या है, ये भी याद करेंगे, ठीक है। मछली पालन मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। उसके बाद में एक क्वेश्चन आता है रेशम पालन में उपयोग किए जाने वाले जो रेशम कीट होते हैं उनकी जाति कौन कौन सी होती है, रेशम कीट का लाइफ साइकिल और कौन सा रोग लग जाता है, ये आप याद करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है एक मधुमक्खी, देखिए मधुमक्खी, अब पालन मधुमक्खी पालन और मधुमक्खी की लाइफ साइकिल कैसी है वो आप करेंगे, मधुमक्खी जो होती है पालन कैसे करेंगे, और शहद निकालने के जो कैसे किस तरीके से शहद को निकालते हैं हम लोग, संरक्षण कैसे करेंगे, भंडारण ठीक है किस तरीके से किया जाता है, उनकी प्रक्रिया क्या है। एक आता है लाख कीट का जीवन साइकिल, लाख कीट जो होता है उसका लाभ, उसका क्या करना है, उसके ऊपर हमें जीवन साइकिल देखना है, किस तरीके से जीता है लाइफ साइकिल में। एक यहाँ वर्मी कल्चर दे रखा है, वर्मी कल्चर क्या होता है, ठीक है, वर्मी कल्चर पर आपसे क्या, उसकी प्रक्रिया क्या है, बस यही पढ़ लेना, उसके बारे में छोड़ो, खत्म करो, ज्यादा बहुत ज्यादा हो जाएगा, वरना परेशान हो जाओगे पढ़ते पढ़ते। 2023 में और 2024 में भी किसी स्टूडेंट का पेपर होगा, यूपी यूके उत्तराखंड से कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश यूके उत्तराखंड और बिहार में आने वाली ये क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चनों को याद करके 85% प्लस ला सकते हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ, इसके अलावा कुछ और मत पढ़ना,
पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। बाकी जो क्वेश्चन आपके रह गए हैं पेपर, जैसे कि सेकंड पेपर रह गया जूलॉजी का और केमिस्ट्री का, फर्स्ट और सेकंड पेपर रह गया, बाकी मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दिए, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं paperhacker.in पर। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।